हनुमान बेनी थैंक यू वेरी मच सभापति महोदय। सबसे पहले तो आपने मुझे इस आधार संशोधन बिल 19 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे से पूर्व माननीय सांसदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, निश्चित रूप से जो आज बिल लेके आए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के अंदर जब इस आधार कार्ड को ये कहते हुए इस पर रोक लगाई कि नया कानून बनाया जाए, इसे प्राइवेसी सीक्रेसी आम आदमी की बनी रहनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी की सरकार को कि न्यू इंडिया और डिजिटल इंडिया, और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय कि जितने भी कानून 2014 से 19 और पिछले कई दिनों से जो बिल आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये बिल आम आदमी गरीब आदमी से जुड़े हुए बिल हैं, और इस आधार बिल से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आम आदमी गरीब आदमी तक यहां पैसा जो पहुंचता है उनके खातों में, सीधा पैसा उनके खातों के अंदर पहुंचेगा। और जो 6000 जो किसान सम्मान निधि का पैसा है जिसे करोड़ों किसानों को फायदा होगा, वो भी सीधा उस गांव ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को मिलेगा। और सबसे बड़ी जो पीड़ा अभी विपक्ष के हमारे कई साथियों ने दर्शाई, और निश्चित रूप से अपना वोट बैंक बढ़ाने के खातिर कई लोगों को तकलीफ भी होगी, और ये सही है कि आधार से एक पहचान भी होगी और क्रिमिनल और अपराधी आंकड़े जुटाने के अंदर भी बहुत बड़ा फायदा आधार कार्ड से मिलेगा। इसकी अनिवार्यता को जब सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो सभापति महोदय इससे बहुत बड़ा नुकसान आमजन को हुआ, और प्रत्येक गरीब को सरकारी योजना का लाभ मिलना बंद हो गया था। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जब पहले ये 2018 के अंदर रोक लगी और 2009 में जब यूनिक कार्ड के नाम से शुरुआत की यूपीए की सरकार ने, तब अपने क्षेत्र की कंपनियों को ठेके दे दिए थे, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और अब जो 16 के अंदर कानून भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता का बनाया, और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो कानून बना इसमें 2 नंबर आधार कार्ड में देंगे, जिससे प्राइवेसी सीक्रेसी भी किसी व्यक्ति की नहीं जाए और उसका काम भी चलता रहे। विश्व बैंक ने भारत की योजना की तारीफ की है सभापति महोदय, और इसकी डायरेक्ट इसका सीधा गरीब लोगों को एक आधिकारिक पहचान देकर सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाई। ये देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी बनाई योजना पर आज पूरा विश्व चलने को तैयार है। आधार श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसकी डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा के बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई, इससे किसी तरह की सीक्रेसी आउट होने की कोई भी जरा सा भी चांस नहीं है। सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई सरकारी और गैर सरकारी कामों में आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया। अब बैंक खाता खोलने, रसोई गैस सब्सिडी, पेंशन, पासपोर्ट सहित कई सेवाओं में आधार होना जरूरी है। ऐसे में सहज ही समझा जाता है कितना महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं इस बिल का तो समर्थन कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ जो इस बिल से आधार से फायदा हुआ, 60.3 लाख करोड़ की सब्सिडी सीधी गरीबों के खाते के अंदर गई, 1.4 लाख करोड़ पैसा भारत सरकार का बचा, और प्राइवेसी ये संविधान के अनुरूप आप सब बात करें ना, वही संविधान का आर्टिकल जो 21 है उसके अनुसार जो कानून बनाया कि संविधान का आर्टिकल 21 का पालन हो और प्रत्येक व्यक्ति उससे हटके ऐसा नहीं लगे कि आपकी सीक्रेसी प्राइवेसी आउट हो रही है, इसलिए कानून को लेकर आए। और इसके अंदर एक चीज और करी कि किसी की संपत्ति का डेटा अगर कोई लीक कर देगी कंपनी तो 1 करोड़ रुपए का इसको जुर्माना भी इसके अंदर रखा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस कानून के अंदर मंत्री जी को कि मंत्री जी ने बहुत बड़ी मेहनत करी इस कानून को बनाने के अंदर, बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय ली, और कई हमारे अनुभवी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अनुभवी सांसद है, जिसमें कई हमारे
पीपी चौधरी साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट तक एडवोकेट है, इनकी भी राय लेके, और ये जनहित का जो आवश्यकता थी इससे भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी और न्यू इंडिया डिजिटल इंडिया का जो मोदी जी का सपना देखे, अब ये तो तय हो गया इस देश के अंदर कि 15-20 साल दिल्ली तो सुरक्षित हो गई, यहां तो आप सोचो ही मत, कोई स्टेट में देखो अपने काम, अब कोई स्टेट में हो सकता है कोई जैसे ओवैसी जी बोल रहे थे, कोई स्टेट में जरूर कोई ना कोई मामला आपके बैठ सकता है, यहाँ का मामला तो क्योंकि अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाग गए छोड़ के, बताओ प्लीज कितनी हालात खराब हो गई कि आपके कप्तान कप्तानी छोड़ के चले गए, तो जब कप्तानी छोड़ दी तो एक तरफा फुटबॉल का मैच हो गया, आप अकेले फुटबॉल खेल रहे, तो मैं इस बिल का राजा साहब सभापति महोदय बिल का देख के रखेंगे सभापति महोदय आज को पहले छोड़ के भगदा तो गद्दार कहा जाता है, इस बिल का तो एक एक मिनट ए राजा साहब प्लीज कंक्लूड, देर आर मोर मेंबर्स टू स्पीक, प्लीज कंक्लूड, मेरा टाइम दे दो, मेरी बात, मेरा टाइम ज्यादा नहीं होगा सर, मैं तो एक मिनट, प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ, मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कड़ी मेहनत करके मंत्री जी ने बहुत बड़ी मतलब पूरे देश की व्यापक सोच के आधार पर कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, प्राइवेसी भी लीक नहीं हो, और दो नंबर दिए, और ये निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले 5 साल के अंदर देश देखेगा, और जो कांग्रेस 50 पे आई है अगली बार ये 12-13 पे सिमट जाएगी, उसको आधार बिल से फायदा ये देश की जनता को होगा।